नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवांगी। चैलेंज न्यूज 24 में आपका स्वागत है और आइए रुख करेंगे आज की खबरों की ओर। विधायक जालौन ब्लॉक नंदी गांव के रहने वाले प्रगति विचारधारा फाउंडेशन के अध्यक्ष नेहा नीरज खरे ने बताया कि वृक्ष हमारे जीवन दाता है। उन्होंने इस कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी पर बताया कि लोगों को ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध हो पा रही है, लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण मर रहे हैं। कहा कि ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ रहा है, हर साल लोग गर्मी में बढ़ते तापमान से परेशान हैं, इसका खामियाजा हमें आज भुगतना पड़ रहा है। प्रगति विचारधारा फाउंडेशन के अध्यक्ष नेहा नीरज खरे ने कहा कि हमें पेड़ों की महत्वता के बारे में बचपन से बताया जा रहा है, इसके बावजूद हम पेड़ों को काट रहे हैं। कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए हम सभी को वृक्षों के महत्व को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। कहा कि हम सभी नागरिकों का नैतिक दायित्व है कि इन पौधों को संरक्षित व सुरक्षित रखें। पेड़ का महत्व मानव जीवन में सबसे अधिक है, यह मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है, ऑक्सीजन प्रदान करता है। प्रकृति हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, प्रकृति के आवेगपूर्ण दोहन के कारण मौसम में परिवर्तन हो रहा है, जिसका हम सभी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कहा कि वृक्ष जीवन का आधार होता है, वृक्षों से हमें इतनी मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त होती है जो मानव के लिए उपयोगी है, हमें पौधरोपण के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। कोच जालौन उत्तर प्रदेश से आशीष सोनी की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा खरे, अध्यक्ष प्रगति विचारधारा फाउंडेशन। वृक्ष है तो जीवन है, ये चीज हम लोगों ने बचपन से सुनी थी कि वृक्ष है तो जीवन है। आज ये चीज हम लोग को सामने देखने को मिल रही है कि कितना पेड़ पौधे हम लोगों ने जो काटे हैं, हमारे द्वारा काटे गए हैं, और ये कितना जरूरी है। एक टाइम था जब हम लोग सुनते थे कि पानी हम लोग को खरीदना पड़ेगा, मार्केट से पानी खरीदना पड़ेगा, तो मार्केट में जब पानी खरीदा, फिर एक समय आया हम लोगों ने सुना कि हवा हम लोग को खरीदनी पड़ेगी। आज ये चीज O2 ऑक्सीजन को जब खरीद रहे हैं, सिलेंडर को जब ले रहे हैं, तब पता चल रहा है कि क्या इसकी वैल्यू है, क्या इसका महत्व है। जैसे कि हम सब जानते हैं हमारे जो एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन एंड 21% ही ऑक्सीजन है, बाकी जो अदर गैसेस हैं वो ओनली 1% है। तो हमारे लिए कितना जरूरी है ऑक्सीजन का होना। खाने के बिना हम जी सकते हैं कुछ दिन तक, पानी के बिना भी कुछ टाइम तक जी सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बिना हम एक सांस भी नहीं ले सकते। अगर हम ऑक्सीजन ना हो तो हम तुरंत के तुरंत खत्म हो सकते हैं। इसलिए आज हम लोग को महत्व समझ में आया कि पेड़ पौधे हमारे लाइफ में कितने जरूरी हैं। तो फ्रेंड्स, हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि पेड़ पौधे लगाएं, और गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए, कुछ ऐसी योजनाएं लानी चाहिए कि जो पेड़ पौधे कट रहे हैं, फिर भी कोशिश गवर्नमेंट कर रही है, फिर भी कई सारे पेड़ कट जाते हैं, तो वो पेड़ बचाएं, वो पौधे बचाएं। जो शहर है कहीं ना कहीं दूर दूर तक विस्तृत होते चले जा रहे हैं, उसका भी एक लिमिट होना चाहिए कि कहाँ तक सिटी होनी चाहिए, क्योंकि इतनी बिल्डिंगें बनती चली जा रही हैं, पेड़ पौधे सारे कटते चले जा रहे हैं, ऑक्सीजन हमारा जो है वो कहाँ से आएगी। ओनली 21% ऑक्सीजन है हमारे एटमोसफेयर में, तो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए इस बात पर। मैं नेहा खरे, और मैंने अपने गार्डन में इतने सारे पेड़ पौधे लगाए हैं, किसी दिन मैं एक वीडियो लेके आऊंगी, उसमें दिखाऊंगी मैंने अपने गार्डन में कितना पेड़ पौधे लगाए हैं। इवन मैंने अपने रास्ते में, अपनी गली में जहां मैं रहती हूं, वहां मैंने कितने पेड़ पौधे लगाए हैं, तो वो मैं एक दिन आपको दिखाऊंगी। तो आप सब भी कोशिश करिए कि पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाएं, और प्रगति विचारधारा फाउंडेशन की तरफ से पूरा 1000 पेड़ पौधे बहुत ही जल्दी लगाए जाएंगे, और उसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मैं नेहा खरे, थैंक यू। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी भी अपने घर के चारों तरफ पेड़ पौधे लगाएंगे, और सिर्फ पेड़ पौधे लगा